देखिए अभी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी, लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग हमारी कट हो गई है, तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए आपने जो पूछा था यहाँ पर, अभी वीडियो हमें बना करके देनी थी क्योंकि कल टेस्ट है, क्या 10 बजे आप लोगों का हिंदी इंग्लिश जो दोनों भाषाओं में होगा और ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी का टेस्ट है। ओके, आपने पूछा था यहाँ पर कि एयर ड्रेनेज क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। एक्चुअली ये वाला पार्ट था जब हम आपको समुद्र समीर और स्थल समीर के बारे में बता रहे थे, वहां पर ही हमें बताना चाहिए था लेकिन स्किप हो गया था। ओके, लेकिन कोई नहीं, अभी हम आपको समझा देते हैं। एक्चुअली जब आपने पूछा था उस वक्त हम खाना बना रहे थे, इसलिए आपको नहीं बता पाए। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एयर ड्रेनेज का मतलब क्या है। देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक एयर है और दूसरा ड्रेनेज है। तो ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह यानी कि बहना, जैसे नदी क्या होती है बहती है, तो नदी का क्या होता है एक अपवाह तंत्र होता है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम होता है। इसी तरह पवन भी बहती होगी तो इसीलिए उसको एयर ड्रेनेज बोल दिया। ओके, तो दोनों चीजें क्या है सेम है, लेकिन ये कहाँ पर होता है और किस तरह से उत्पन्न होता है और कौन सी परिस्थितियां होती है जिस कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए ये उत्पन्न होता है, आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे और साथ में घाटी देखने को मिलेगी। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे दो पर्वत हैं तो दो पर्वत के बीच में आपको यहाँ पर ये जो देखने को मिल रही है बी सेप आपको देखने को मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं घाटी बोलते हैं या फिर वैली के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए इसको जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे, अगर आपने हमारी क्लासेस सारी अटेंड की है तो आपको पता होगा, हम आपको एक चीज बताए थे कि हमेशा एयर का जो फ्लो होता है एक तरफ हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर का निर्माण कैसे होता है ये अलग टॉपिक है, हम आपको समझा चुके हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर, तो जो एयर का फ्लो होता है हमेशा आपको देखने को मिलेगा हाई से लो की इधर होता है। अब इसको देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप एक तरफ बहुत ज्यादा चीजें हैं दूसरी तरफ कम चीजें हैं। ओके, तो हमेशा बहाव कितना होगा अधिक से कम की ओर होगा ना, जैसे जल है एक तरफ आप जल ज्यादा ले लीजिए दूसरी जगह जल होगा वो कम होगा, तो पानी का बहाव किधर होगा ज्यादा से कम की ओर होगा ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे इधर एयर है वायु है तो इधर हाई प्रेशर है दूसरी तरफ लो प्रेशर है, तो वायु कहाँ से जाएगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। ओके, अब देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर का निर्माण कैसे होता है, हाई प्रेशर का निर्माण होता है जब वायु बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगी तब उससे क्या होगा हाई प्रेशर का निर्माण होगा। लो प्रेशर का निर्माण कब होगा जब यहाँ से पवन जाएगी यानी कि पवन की मात्रा कम होनी चाहिए तभी यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, और हम आपको बताए थे लो प्रेशर है वो कई कारणों से बन सकता है। ओके, एक जिसमें कारण होता है तापमान, यानी कि वायु गर्म होती है गर्म होकर के ऊपर उठती है, जब ऊपर उठेगी वायु तो नीचे वायु है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, वायु की मात्रा नीचे कम हो जाएगी सतह के समीप तो वहां पर निर्माण होगा लो प्रेशर का निर्माण होगा, निम्न वायु दाब का निर्माण होगा। अब देखिए जो पर्वत होते हैं वहां पर ही चलती है स्थल सॉरी पर्वतीय समीर और घाटी समीर चलती है। ओके, इसी को बोलते हैं एयर ड्रेनेज के नाम से। अब देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक होता है डे ओके और दूसरा होता है नाइट का वक्त होता है। तो पहले हम देखते हैं दिन के समय कौन सा प्रोसेस होता होगा, तो देखिए दिन के समय यहाँ पर जो पवन चलती है वो चलती है घाटी समीर, क्या चलती है वो चलती है घाटी समीर चलती है। ओके, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में देखिए इसको घाटी का मतलब होता है वैली और समीर को बोलते हैं ब्रिज के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए नाम दे दिया गया वैली ब्रिज। ओके, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको एनाबेटिक के नाम से एनाबेटिक बिंड के नाम से भी जाना जाता है, एनाबेटिक का मतलब भी होता है ऊर्ध्वाधर। ओके, तो इसलिए इसको एनाबेटिक बिंड के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी उत्पन्न कैसे होती है, इसका कारण क्या होता है, तो देखिए आपको पता है दिन का समय है तो दिन के समय क्या होगा सूरज निकलेगा, तो सूरज निकलेगा जब जब सूरज निकलेगा तो आप देख सकते हैं सूरज निकलेगा तो इसकी ऊपर की सतह को गर्म कर देगा, क्या कर देगा ऊपर की सतह को ज्यादा गर्म कर देगा और घाटी को ज्यादा गर्म नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर अधिक होगा ना, पर्वत की चोटियों पर आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा, और हम आपको बताए थे अभी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर वायु होगी वो गर्म होगी, गर्म होकर के हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर तापमान ज्यादा होने के कारण एयर होगी वो ऊपर उठने लगेगी, जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या निर्माण हो गया यहाँ पर निर्माण हो गया लो प्रेशर, तो इधर भी क्या निर्माण हो जाएगा दिन के समय लो प्रेशर और नीचे ही आपको अपेक्षाकृत क्या देखने को मिलेगा हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके, अब हम आपको बताए थे हमेशा वायु कहाँ से कहाँ की ओर जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं हमारी सारी क्लासेस आप अच्छे से देखा करिए वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो देखिए
अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हमको मिल गया हाई प्रेशर, यहाँ मिल गया लो प्रेशर दिन के समय। तो देखिए घाटी से पवन है वो ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है। क्या उठने लगती है? ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? हाई प्रेशर है, ऊपर क्या है? लो प्रेशर है। इस कारण इसका निर्माण होता है एक वायु का, वायु पवन का निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? घाटी समीर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? घाटी से आ रही है। देखिए कहाँ से आ रही है? बैली है ना, इसी बैली से आ रही है, तो इसीलिए इसको घाटी समीर का नाम दे देंगे। इसी तरह एक होता है पर्वतीय समीर। ओके, तो पर्वतीय समीर कैसे चलेगी? ऊपर हाई प्रेशर बनना चाहिए, नीचे लो प्रेशर बनना चाहिए, और ऊपर से नीचे आएगी तो हम उसे क्या बोल देंगे? पर्वतीय समीर बोल देंगे। चलिए आप देखते हैं, रात का वक्त होता है, फिर से यहाँ पर एक माउंटेन बनाते हैं और बीच में क्या बनाते हैं? घाटी बनाते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं रात का समय है। ओके, अब नाइट हो गई है, अब रात का समय। अब रात के समय सूरज तो होता नहीं है, जब सूरज नहीं होता है तो आप देखेंगे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम देखने को मिलेगा। ओके, तापमान में कमी आती है, आप लोगों को पता है। तो इस समय रात के समय क्या चलती है? रात के समय आप लोग देखेंगे पर्वतीय समीर चलती है। ओके, क्या चलती है? पर्वतीय समीर आपको देखने को मिलेगा। अब पर्वतीय समीर है, इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन ब्रिज के नाम से, माउंटेन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसको कैटाबेटिक बेंड के नाम से भी जानते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो भी नाम आपको ध्यान रखने। ओके, अब देखिए रात का वक्त है, तो रात के वक्त हम आपको बताए थे जो एनर्जी है वो रिलीज करती है पृथ्वी। हमारी क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है। पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? सतह ठंडी होती है। तब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या होता है? ऊपर आप देखेंगे कि वायुमंडल बहुत ही आपको पतला देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एनर्जी है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो ऊपर है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ऊपर का एरिया है ना, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। आप देखेंगे पहाड़ों पर आपको रात में बहुत ज्यादा ठंड ऊपर देखने को मिलेगी, अगर आप चोटियों पर घूमने जाते हैं तो। देखिए यहाँ पर क्या निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे तापमान, तापमान तेजी से कम हो जाएगा। तापमान तेजी से कम होने के कारण यहाँ पर निर्माण हो जाएगा हाई प्रेशर का। तापमान जब कम होगा तब वायु होगी वो भारी होगी, और वायु भारी होकर के क्या होगी? नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। इधर भी चोटी पर क्या निर्माण हो जाएगा? हाई प्रेशर का, क्योंकि रात के समय चोटियों का तापमान कम हो जाता है। जब चोटियों का तापमान कम होगा तो यहाँ पर जो वायु पाई जाती है वो भी ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो नीचे आएगी। ओके, अब आप देखेंगे जब वायु ये भारी होती है तो देखिए ये इस तरह से ढाल के सहारे हल्के हल्के नीचे उतरती है। क्या होती है? ढाल के सहारे हल्के हल्के नीचे उतरती है। अब जब नीचे उतरती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तापमान मध्य में बढ़ जाता है। इस कारण आप देखेंगे ना, मध्य में तापमान बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मध्य में तापमान क्यों बढ़ जाता है? जब ये नीचे आती है तो नीचे आने की प्रक्रिया में ये पवन है ये घर्षण करती है। ओके, घर्षण के कारण आप देखेंगे कि इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। सतह से घर्षण करेगी तो ये क्या करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी और इसका तापमान बढ़ जाता है। और हम आपको बताए थे इसमें एक प्रोसेस होगा, आइडियाबेटिक प्रोसेस होगा। आइडियाबेटिक हीटिंग के कारण आप देखेंगे इसका तापमान बढ़ने लगता है। ओके, एक डायाबेटिक और आइडियाबेटिक हीटिंग होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। आइडियाबेटिक और डायाबेटिक हीटिंग क्या होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं दो कारणों से इस पवन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है जब पवन पर्वतों से नीचे की ओर आती है, कहाँ? घाटियों की ओर। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अपेक्षाकृत आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पवन अपेक्षाकृत होती है वो गर्म पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे मध्य में, जो आप देखेंगे मध्य घाटी होता है ना, वहां पर टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल पाया जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको ज्यादा यहाँ पर जैसे कि कोहरा उरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है जो तुषार, तुषार का मतलब होता है जो आपको कोहरा एक तरह से देखने को मिलेगा, तो कोहरा से पेड़ों की रक्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण कोहरा नहीं जम पाता है। आपके घाटी के नीचे आपको कोहरा भी देखने को मिलेगा, ऊपर भी कोहरा देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य घाटी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पर्वतीय समीर चलती है तो वो ऊपर से नीचे आती है, तो नीचे आने के क्रम में वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। गर्म दो प्रोसेस के कारण होती है जो अभी हम आप बताए थे, एक तो घर्षण के कारण और दूसरा उसमें एक जो ताप होता है वो बढ़ने लगता है। आप देखेंगे जब वायु होती है, जब वायु ऊपर से नीचे आएगी तब उसमें क्या होता है?
अब रोहन के कारण ये ऐसा होता है। ओके, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, तो दो प्रोसेस के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसी को क्या आप देख सकते हैं ना कि पवन क्या कर रही है, ढाल के सहारे नीचे आ रही है, यानी कि एक तरह से बह रही है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, अपभा। और ये नीचे क्यों आ रही है, आप देख सकते हैं पवन भारी होती है, इसका क्या होता है वेट ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है वेट ज्यादा हो जाता है ठंडा होने के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी ये क्या आने लगती है, नीचे आने लगती है। ओके, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने लगती है, जैसे जल व्यवहार करता है उसी तरह पवन भी व्यवहार करने लगती है। इसीलिए इसको बोला जाता है एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज का मतलब यही होता है, जब पवन भारी होती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे बहने लगे, तब उसको नाम दे दिया जाता है एयर ड्रेनेज। ओके, तो एयर ड्रेनेज है ना, वो उसका संबंध किससे आपको देखने को मिलेगा, पर्वतीय समीर से ही आपको उसका संबंध देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जब पवन नीचे आती है तो उसका कारण क्या होता है, कारण आपको ध्यान रखना है, उस वक्त जब कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, एयर ड्रेनेज बोल देते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए इतना कि पर्वतीय समीर किसे बोलते हैं और घाटी समीर या फिर वैली आप ब्रिजर्ट के नाम से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये देखिए कहाँ से आ रही है, ये पर्वतों से आ रही है घाटी की ओर, इसीलिए हमने इसको पर्वतीय समीर का नाम दे दिया। तो पूछा जाए पर्वतीय समीर कब चलती है, तो ये चलती है रात के समय। ओके, और दिन के समय क्या चलेगा, घाटी समीर चलेगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं और इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता देते हैं, आप लोगों को टेस्ट देना है, जो टेस्ट है सभी लोगों का, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं। ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी आपको कितने बजे आना है, 10 बजे। अब आपका एक ही टेस्ट हुआ करेगा, अलग अलग टेस्ट नहीं होगा, सुबह 10 बजे आप लोगों का आना है, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ पर होगा वो आपको सुबह बता दिया जाएगा, सभी लोग जानते भी हैं जिन लोगों ने लास्ट पेपर दिया है। तो जैसे आप लोगों ने लास्ट पेपर दिया है वहां पर ही आपका टेस्ट ग्रुप है, वहां पर एक बैच बना हुआ, उस पर जाइए, वहां पर टेस्ट शुरू हो जाता है, 10 बजे आप आएंगे और वहां पर हम आकर के भी आपको एक बार बता देंगे फिर से। ओके, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। और इसके अलावा फिर आपको ये टेस्ट है ये 10 बजे स्टार्ट होगा और 12 बजे फिनिश हो जाएगा, दोपहर में 12 बजे आपको ये फिनिश हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमारी 2 बजे से 6 बजे तक क्लासेस चलेंगी, 2 बजे से लेकर के 2 PM से लेकर के 6 PM तक हमारी क्लासेस चलेंगी। कहाँ चलेंगी, ये यूट्यूब पर चलेंगी। इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम मध्यकालीन भारत है वो पूरा का पूरा मुगल शासन हम समाप्त कर देंगे कल। ओके, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि टेस्ट देना है, और ये टेस्ट है वो सभी लोग दे सकते हैं, जो हमारे बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्लस माइनस मार्किंग भी होगी, और ये 10 बजे होने वाला है। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं।